दुनिया भर में या तो क्रिकेट में सियासत होती है या सियासत से क्रिकेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत हो या क्रिकेट हो, दोनों में आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और ये एंटरटेनमेंट का मजा वहां की जनता भी ले रही है और हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो क्रिकेट लवर हैं वो भी देख कर ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है। और इतना मनोरंजन अगर आप क्रिकेट की पिच पर कर देते तो शायद और मौज कट जाती। ये कहानी इसलिए बता रहे क्योंकि 15 नवंबर वो तारीख थी जब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप लगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको रौंद दिया, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हालत कर दी थी। भारत के सामने एक बार फिर ओडीआई में हारे, लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर। शाहीन शाफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है क्योंकि पहले कप्तान बने टी20 क्रिकेट में जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया, सिर्फ एक सीरीज खिलाई गई वो ड्रॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है और हमारी तपस्या में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। अगर पैमाना PSL है तो हम तो इस बार ही फाइनल खेले थे, बाबर तो इस बार ही फाइनल नहीं खेले। और अगर बाबर को तब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप किया गया था कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, तो इस बीच में उन्होंने कौन से तीर मार लिए। लेकिन बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं बना दिए गए हैं और बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर खूब ड्रामा देखने को। सबसे पहले आप याद कीजिए ARY चैनल पर बैठकर पाकिस्तान में तीन लोग तंज कसते थे बाबर आजम पर, जिसमें एक नाम था इमाद वसीम का, दूसरा नाम मोहम्मद आमिर का और तीसरा नाम अब्दुल रजाक का। रजाक सिलेक्शन कमेटी में है, इमाद वसीम वापस रिटायरमेंट ले चुके हैं और बाबर आजम के साथ खेलेंगे, मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के साथ खेलेंगे, उस्मान खान जो UAE चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली थी वो भी वापस आ गए, और शाहीन शफरीदी जिन्होंने वाकई में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को समझाया था कि आप देश के लिए आ जाइए और T20 वर्ल्ड कप में आप रहेंगे तो हमारी टीम थोड़ी मजबूत रहेगी, उनका पत्ता कट चुका है। बाबर T20 ODI के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह गए हैं। शान मसूद की कुर्सी नहीं गई है, लेकिन शाहीन शफरीदी केवल 5 T20 मैच और एक खराब PSL के चलते बाहर हो जाते हैं। अब शाहीन के फैंस पूछ रहे कि ऐसा क्या हुआ, लॉजिक दिया जा रहा है कि तेज गेंदबाज अच्छा कप्तान नहीं बनता। अब ये उस दौर में लॉजिक है जब पैट कमिंस जैसा गेंदबाज वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ बैठा है। खैर, बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर आजम ने क्या कुछ किया है वो हम सब ने देखा और उस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट कहां से रुकेगा। और ये एंटरटेनमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है ये वही लोग हैं जो जियो न्यूज पर बैठकर और तमाम और चैनल पर बैठकर जबरदस्त तरीके से तंज कसते थे और कहते थे कि बाबर तो डिजर्विंग ही नहीं है, आप बाबर कैसे खिला सकते हो। इमाद वसीम के तमाम स्टेटमेंट है कि आई डोंट थिंक बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। मोहम्मद आमिर ने कई बार कह दिया था कि यार बाबर को तो मैं अपनी टीम में रखूंगा ही नहीं, इज नॉट अ गुड T20 प्लेयर। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों उनकी कप्तानी में खेलेंगे, क्या बाबर इन्हें खिलाना चाहेंगे अगर वो सिर्फ नाम में कैप्टन नहीं है, और अगर बाबर के पास ताकत है तो उनके पुराने हित मित्र क्या, क्योंकि बाबर को कैप्टनसी से हटाया दो चीजों की वजह से गया था। पहला, बाबर कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे, उनके नाम पर भी मनहूसियत वाला टैग था कि इनके साथ रहते टीम जीतती नहीं है, फाइनल हार जाते हैं। दूसरा, बाबर मैं मेरा दोस्त उसका परिवार, उसका दोस्त मेरा परिवार, ये कहानी चल रही थी। अब क्या बाबर इससे फिर बाहर निकल पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन बाबर आजम जिन्हें कैप्टेंसी से हटाया गया था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 वो हारे थे, PSL 2022 हारे थे, एशिया कप 2022 हारे थे, वर्ल्ड कप 2022 हारे थे, PSL 2023 हारे थे, एशिया कप 2023 हारे थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हारे थे, PSL 2024 हारे थे, और इन सारी चीज़ों के हारने के बाद भी उन्हें कैप्टन बनाया गया। वैसे 2022 के बाद से बाबर आजम ने ICC के किसी भी टूर्नामेंट में सिर्फ एक शतक लगाया है एज अ बैट्समैन भी, और वो था नेपाल के सामने। बाकी हर जगह पर, हर सीरीज में, हर मैच में, हर क्रूशियल स्टेज पर बाबर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ये विवाद लगातार बढ़ रहा है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और क्यों कैप्टेंसी बाबर को गई है। पाकिस्तान को समझने वाले जानते हैं कि वहां पर जब निज़ाम बदलता है तो पाकिस्तान का कप्तान जो है वो भी बदल जाता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस निजाम और कप्तान की कहानी के बीच में शाहीन शाफरीदी के साथ गलत हो गया। सवाल यह है कि मोहम्मद रिजवान को जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो थे,
वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, उन पर सवाल नहीं है, उनका बल्ला रन भी बनाता है और उनके पीछे परफॉर्मेंस का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। सवाल ये भी कि जो आमिर, जो इमाद बाबर को रत्ती भर पसंद नहीं करते, जिनका करियर बाबर आजम की वजह से खत्म हो गया था, वो क्या इनके नीचे खेल पाएंगे? या बाबर जो बाहर बैठकर लगातार इन लोगों की बात सुन रहे थे कि इनके बारे में रोज इतनी बातें की जा रही है, क्या वो इनके साथ गले से गले मिलकर, दिल से दिल मिलाकर खेल पाएंगे? या इनका भी हश्र वही होगा जो आजकल हम मुंबई इंडियंस में देख रहे हैं? क्या सोचते हैं आप, हमें जरूर बताएं।